तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव योर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय में वैसे नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। क्या अब्बास मस्तान की नेक्स्ट अनटाइटल्ड फिल्म ही है सोल्जर 2? क्या ये फिल्म रिलीज नहीं होगी बड़े पर्दे पर? कौन कौन से कलाकारों के नाम शामिल हैं इस फिल्म में? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है पॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अब्बास मस्तान हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसके साथ हर एक्टर काम करना चाहता है, क्योंकि इनकी डायरेक्टोरियल स्टाइल है सबसे अलग। इनकी फिल्में सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन से भरी हुई होती है और साथ ही इनकी फिल्मों की स्टोरी भी यूनिक होती है। ये ज्यादातर हॉलीवुड की फिल्मों के रीमेक बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। और अगर हम इनकी लास्ट फिल्म की बात करें तो वो थी 2017 की मशीन, जो एक रोमांस एक्शन फिल्म थी जिसमें कियारा आडवाणी और मुस्तफा नजर आए थे। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं कर पाई थी और उसके बाद से ही इस जोड़ी की कोई भी फिल्म नहीं आई है। लेकिन वो अपने 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिसमें से एक अनटाइटल्ड फिल्म है और फिल्म के लीड एक्टर हैं बॉबी देओल। और इस पर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कोई नई नहीं बल्कि अब्बास मस्तान की बॉबी देओल की नेक्स्ट प्रोजेक्ट सोल्जर 2 ही है, जो 1998 की सोल्जर का अगला पार्ट है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फिल्म लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है और ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म ही होगी। और इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ साथ हमें अर्जुन रामपाल, रणदीप हुड्डा, शर्मन जोशी, मोनी रॉय, कुणाल खेमू, आशीष चंचलानी, कायरस बरोचा, टिस्का चोपड़ा और अबराज जोहर जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बेल्जियन फिल्म लॉफ्ट की रीमेक होने वाली है। अगर हम लॉफ्ट फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक मिस्टीरियस फिल्म है जो एक मर्डर केस के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन फिल्म की कहानी में कई सारे चेंजेस होंगे और इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी उस तरह से बनाया जाने वाला है। और दिलचस्प बात ये है कि 1998 की सोल्जर भी ऐसी ही एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म का टाइटल अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इस पर ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म का नाम सोल्जर 2 नहीं बल्कि कुछ और भी होने वाला है और एक बार फिर बॉबी देओल एक मिशन पर निकल जाए। इस फिल्म में बाकी के कलाकारों का नाम सुनकर ये कहा जा सकता है कि ये एक अमेजिंग फिल्म होने वाली है। लेकिन ये फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि OTT पर रिलीज होने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल थिएटर में जाने से ज्यादा सभी लोग अपने घर पर मोबाइल, लैपटॉप या TV पर OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखना पसंद करते हैं, इसलिए इस फिल्म को काफी सारे व्यूज मिलने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि आप भी थिएटर से ज्यादा OTT पर ही फिल्म देखते हैं। और क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।